रास्ता तो आपको ही खोदना है। गुस्सा आता है, गिल्ट भी होता है किसी को। अभी तक एक भी आदमी मैंने नहीं देखा जिसने गुस्सा किया और बहुत आनंद हो जाता है उसको। बाहर से तो दिखाता है आनंद, लेकिन अंदर से उसके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ये जकड़ जाता है, जड़ पड़ा, आंख लाल हो जाती है, मोटी हो जाती है, हाथ भी फिस्ट जैसे तैयार हो जाते हैं किसी को लगाने के लिए। तो ये तो गिल्ट फीलिंग होगा ही, चिंगारी तो भड़क गई तो खुद को भी तो जलाएगी। आपको लगता है कि गुस्सा किया मैंने, सही में गुस्सा किया, लेकिन उस गुस्से में तो हम भी जल जाते हैं खुद, जस्टिफाइबल हो या न हो उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। ये समझ आनी चाहिए। बार बार गुस्सा किया, बार बार गिल्ट फीलिंग करोगे तो क्या फायदा है। बाबूजी कहते हैं कि रात के समय रिपेंटेंस, पश्चाताप का भाव, प्रार्थना करके ईश्वर से एक वादा करना है कि आइंदा मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। यू कैन मेक मिस्टेक्स, बाबूजी सेज, मैं हर दिन मिस्टेक करो कोई बात नहीं, लेकिन उसको रिपीट मत करो। और जो भूल हो जाती है, हम सब इंसान हैं, आदमी है, संपूर्ण तो है नहीं, तो भूल हो जाए तो ईश्वर से माफी मांगना चाहिए कि हाँ माफ कर दो, आइंदा मैं फिर से नहीं करूंगा। एक संकल्प लेने की जरूरत है, नो मोर ऑफ दिस। ध्यान करो तब हम ये भी संकल्प कर सकते हैं कि हमारे में रही ये जो प्रकृति है वो नॉर्मलाइज हो रही है। क्रोध, कामा एंड क्रोध प्रकृति नेचर की गिफ्ट है, कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, साइंस में कहते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को हम किसी दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी तो एक ऊर्जा है, जब वो लाइट में आती है, लाइट बल्ब में लाइट बन जाती है, हीटर में आती है तो हीट आ जाती है, लेकिन एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं कर सकते। क्रोध भी एक ऊर्जा है, 2 मिनट या 1 मिनट क्रोध को थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, यदि आप में इतनी अलर्टनेस है, चेतना इतनी जागी हुई है और बाबूजी के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो वही क्रोध एक दया का भाव पैदा कर देगा। दूसरे पे जिस पे हम गुस्सा करने वाले थे उस पे तरस आएगी कि उसको क्या करूं मैं, अब हमको दुख होता है उसके प्रति, उसके प्रति एक तरह की भावना जागती है कि उससे भूल हो गई, चलो हो गई ठीक है, मैं क्यों भूल करूं गुस्से करने की। भूल तो हो जाती है, उसको कुछ सिखाए, तेरी भूल इस वजह से हुई, अभी हम सब मिलके ऐसा कर सकते हैं। तो हम दूसरे आदमी के हृदय को भी टच कर सकते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्रोध को थोड़ा थोड़ी मिनट के लिए पोस्टपोन करो, मालिक से जुड़ जाओ।